अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग बखैरियत होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे उर्दू का काम। हरूफ की मुख्तलिफ छोटी अशकाल को लिखेंगे सीन ता ज़ौर। प्यारे बच्चों, सीन ता ज़ौर की छोटी अशकाल को हम पहले लिख चुके हैं, आज हम इन्हें दोबारा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हेवाओ। हेवाओ का मतलब है होमवर्क। होमवर्क के बाद लिखेंगे हरूफ की मुख्तलिफ छोटी अशकाल सीन ता ज़ौर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे हर्फ सीन, जो कि नीचे वाली तीन लाइनों में मुकम्मल लिखेंगे। सीन पर कोई नुक्ता नहीं लगाते। सीन की दो मुख्तलिफ छोटी अशकाल हैं, यह है पहली छोटी शक्ल और अब लिखेंगे सीन की दूसरी छोटी शक्ल। अब हम लिखेंगे हर्फ शीन। प्यारे बच्चों, शीन पर तीन नुक्ते होते हैं। शीन की पहली छोटी शक्ल, जो कि दरमियान वाली दो लाइनों में लिखी जाती है। शीन की दूसरी छोटी शक्ल को भी दरमियान वाली दो लाइनों में लिखते हैं। अब हम लिखेंगे हर्फ स्वाद, नीचे वाली तीन लाइनों में। स्वाद पर कोई नुक्ता नहीं लगाते। स्वाद की दो मुख्तलिफ छोटी अशकाल हैं, पहली छोटी शक्ल और यह है दूसरी छोटी शक्ल। इसी तरह हर्फ ज़ौर, नीचे वाली तीन लाइनों में लिखेंगे। ज़ौर पर लगाएंगे एक नुक्ता, ज़ौर की पहली छोटी शक्ल। ज़ौर पर लगाएंगे एक नुक्ता, ज़ौर की दूसरी छोटी शक्ल को दरमियान वाली दो लाइनों में लिखेंगे। ज़ौर पर लगाएंगे एक नुक्ता। प्यारे बच्चों, सीन और शीन की छोटी अशकाल बनावट में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन सीन और शीन की पहली छोटी शक्ल एक जैसी होती है और दूसरी छोटी शक्ल भी एक जैसी होती है। इसी तरह स्वाद और ज़ौर की पहली छोटी शक्ल बनावट में एक जैसी होती है और दूसरी छोटी शक्ल भी बनावट में एक जैसी लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का काम, सीन ता ज़ौर की मुख्तलिफ छोटी अशकाल लिखने की प्रैक्टिस। आप भी अपना आज का काम उर्दू की नोटबुक्स पर करिए। अल्लाह हाफिज़।